सिर्फ 5 मिनट पहले ही जो शाहिद मंजूर है, शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को लेकर जो पुलिस है वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि टीम सीधी नवाजिश को लेकर लखनऊ जा रही है, क्योंकि मामला लखनऊ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरठ में कई घंटे तक जो नवाजिश से पूछताछ की गई है, SPCD भी पूछताछ करने आए थे, तमाम CEOs हैं उन्होंने पूछताछ की थी। SSP रोहित सिंह सजवाण इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, और उसके बाद नवाजिश को यहाँ से हिरासत में लिया गया, घंटों की पूछताछ की गई, और घंटों पूछताछ करने के बाद सीधे देखिए मैं दिखाऊंगा इसी रास्ते से, आप देखिए सुनसान रास्ता है। अभी यहां से जो नवाजिश है, नवाजिश को लेकर जो गाड़ी है वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। देखिए मामला ये है, चूंकि जो ये अलाया अपार्टमेंट हादसे का जो मामला है, इसमें ये बात निकल कर सामने आ रही है कि फहद गजदानी है सेठ, उससे जो है बिल्डर एग्रीमेंट किया गया था, और जो ये एग्रीमेंट किया गया था ये नवाजिश और तारिक, जो नवाजिश है वो शाहिद मंजूर के बेटे हैं, और जो तारिक हैं वो नवाजिश के जो चचेरे भाई हैं, इन दोनों ने मिलकर ही यहाँ पर जो एग्रीमेंट किया था बिल्डर से, और बिल्डर से एग्रीमेंट करने के बाद जो तमाम जो फ्लैट हैं वो बेचे गए थे, उनका बैनामा भी जो नवाजिश है वो नवाजिश ने किया था। और ये बात निकल कर आ रही है कि 15-16 साल पहले की ये बात है कि जब ये बिल्डर से, यासदान बिल्डर से एग्रीमेंट किया गया था, उसके बाद चूंकि वहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, मलबे के भीतर फंसे हुए हैं, तो यहाँ तुरंत लखनऊ से फोन घनघनाते हैं, मेरठ के अधिकारी सारी रात जगे हुए हैं, तमाम अपडेट्स ले रहे हैं, और उसके बाद जो नवाजिश है शाहिद मंजूर के बेटे विधायक के, उनको हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है, कई जगह उन्हें रखा जाता है, और तमाम पूछताछ करने के बाद जो पुलिस है, अब लखनऊ से कोई फोन आता है।